हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था वेयर टू लुक फ्रॉम, अपनी एनसीईआरटी बुक मैथ्स मैजिक का। तो उस चैप्टर से आज मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ये टेस्ट होने वाला है, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, उसे पहले ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर समझ लोगे तो ये रोज के डाउट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि सब बच्चों को टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जब भी बैठते हो, अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स, पेपर, पेंसिल, स्केच कलर, स्टेंसिल या जो भी चीज आपका होता है, सबको लेके बैठना होता है। जो बच्चा इनमें से कोई भी चीज अगर लेके नहीं बैठा है तो बेटा ले लो। आज के टेस्ट में स्केल की बहुत जरूरत है, तो स्केल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कम से कम दो पेंसिल रख लो अपने पास। ठीक है, कम से कम दो पेंसिल रख लो। ठीक है, ताकि एक पेंसिल खराब हो गई तो दूसरे को यूज कर सकते हो। और दूसरी बात, बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट हैं कि भी कॉपी कैसी बनानी है। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा, अभी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉपी नहीं बनानी। दोबारा बोलता हूं, सुनो ध्यान से। अभी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉपी नहीं बनानी है। जब स्कूल खुलेगा तब आपको बताई जाएगी कैसी कॉपी आपको लगानी है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनानी है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे, सर हम काम कहां पे करें? तो काम आप किसी भी रफ कॉपी में काम करोगे। दोबारा बोलता हूं, काम आप किस में करोगे? किसी भी रफ कॉपी में काम करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारा काम किसी भी रफ कॉपी में करोगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि छुट्टियों, ये जो छुट्टियां चल रही है आपकी, ये नुकसान ना हो आपकी पढ़ाई का, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। ये सारा काम करना है किसमें, रफ कॉपी में। और नई कॉपी बनाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी बाहर जाना सेफ नहीं है। ठीक है, और कई सारी चेंजेस आ रहे हैं। क्लास सेकंड में आप अलग तरह की कॉपी बनाते थे, अब क्लास थर्ड में किसी और तरह की कॉपी बनाओगे, इसलिए अभी मना किया जा रहा है आपको। ठीक है, जब स्कूल खुल जाएगा तब आपको बताया जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा एक डाउट और रहता है जो आज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, वो ये रहता है। सबसे पहले मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, उसे ध्यान से देखो। हाँ ये देखो, जो सबसे पहला है, सब पूछते हैं सर आंसर कहां पर है, सर किस लिंक पर है आंसर सर। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, हम लोग जो यूज करते हैं क्लास का, उस क्लास में जो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ इस वीडियो का, सबसे पहली बात तो ये कि आप ये जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस टाइम आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा। और उसमें उसमें एक बेल बना होता है बेटा, अगर बेल को प्रेस कर दोगे तो बेल बजेगी आपके फोन में, हाँ कि भाई सर की वीडियो आने वाली है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो वो कर लो। ठीक है, तो उसी वीडियो में, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे ही जो आपने, मैं ये हिंदी वाला जो आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैंने जो आंसर किया था, तो मैं हमेशा आंसर करूंगा, तो इस तरह मेरा आंसर ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा लिखा होगा पिन्ड बाय फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, उसके बाद ये आंसर होंगे या उत्तर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे आपको आपको मेरे उत्तर मिलेंगे, लेकिन उत्तर कब मिलेंगे? टेस्ट होने के 2 घंटे के बाद मिलेंगे, और उससे पहले आप लोगों को अपने आंसर यहां पे लिख देना है। ठीक है, फिर चेक करके अपना स्कोर लिखना है। कैसे लिखना है ये देखो, ये मैंने दो बच्चों का उठाया है, देखो दो बच्चों का मैंने यहां पे ये एग्जाम्पल उठाया है मैंने दो बच्चों का, कि उन बच्चों ने आंसर बड़ा अच्छे से किया है। तो आपको ये सीखना है पहले कि आंसर करना कैसे, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे नहीं करना है आंसर। ठीक है, व्हाट आंसर किस में करना है? वीडियो के नीचे करना है, कमेंट बॉक्स में। कैसे करना है, जैसे एक बच्चा है प्रियांश, इन्होंने देखो बहुत अच्छे से लिखा है, पहले अपना नाम लिखा है, क्लास लिखा है, रोल नंबर लिखा है, फिर आंसर 1 2 3 4, ठीक है, नंबर वाइज करके इसने आंसर लिख दिया। ये कल जो टेस्ट हुआ था, ठीक है, कल जो इंग्लिश का टेस्ट हुआ था गुड मॉर्निंग पोएम का, उसने ऐसे किया था। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। और एक और बच्चे को एक बच्चे का उठाया मैंने इस तरह से, तो अब से मैं ये करूंगा, रोज कम से कम एक बच्चे का उठाऊंगा आंसर, जो सबसे अच्छा आंसर करेगा उस बच्चे का उठाऊंगा यहां पे। ठीक है,
देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे अच्छे से आंसर करता है, और कमेंट में अपना नेम क्लास एंड रोल नंबर लिखना है, ठीक है। ये देखो, और फिर बाद में लिखने के बाद इसके नीचे जैसे सारे आंसर हो गए, इसके नीचे आपको स्कोर लिखना है कि जैसे मान लो ये शानो मिश्रा है, मान लो एक बच्चा है शानो मिश्रा, ठीक है, तो उसका स्कोर कितना है। तो यहां नीचे जब सारे आंसर हो जाएंगे उसके नीचे, इसके नीचे यहां पे लिखेंगे माई स्कोर और जो भी स्कोर होगा उसका। मैं डेली 5 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूं आपका, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है बेटा, ठीक है। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं होगा। चलो फिर आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कमेंट सबको करना है, अभी सबसे पहले कमेंट कर दो कि भी क्या कमेंट करना है, नेम क्लास एंड रोल नंबर कहां पे करना है, वीडियो के नीचे करना है, ठीक है, ताकि मैं उसको देख सकूं किस बच्चे ने टेस्ट कंप्लीट किया। ये देखो जैसे इस बच्चे ने किया, इन दोनों बच्चों ने किया है, कल आपका नंबर भी आ सकता है यहां पे, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट, अब रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द डॉटेड ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है, काइट ड्रॉ करना है, लीफ ड्रॉ करना है, फ्लावर ड्रॉ करना है, बोर्ड ड्रॉ करना है, स्टार ड्रॉ करना है, और एक पोर्ट ड्रॉ करना है। कहां पे करना है, ये डॉटेड पेज पे, ठीक है। अगर जिसके पास ये ग्रीन ग्राफ पेपर है तो बेटा उसमें कर सकते हो, और जिसके पास ग्रीन ग्राफ पेपर नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे पहले एक पेपर पे ऐसे डॉट 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 ऐसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ड्रॉ करेंगे। ये 6 के 6 ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सब के सब एक ही पेज पे आने चाहिए, अलग अलग पेज पे नहीं करना है, ठीक है, एक ही पेज पे करना है सारा। क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, आंसर नहीं बताऊंगा, बस सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये देखो सेकेंड क्वेश्चन में बिल्कुल डायग्राम है, तो पहले से ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन लिखोगे ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा ना जल्दबाजी मत करना बेटा, आराम से करना है, चाहे वीडियो रोक करके दोबारा वीडियो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देर से करना आंसर, मुझे कोई इशू नहीं, पर गंदा काम नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ साफ काम करेंगे। मैं वेट कर लूंगा आप लोगों के आंसर का, थोड़ा लेट कर देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम ले सकते हो, लेकिन काम अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो पहले एक बार, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इंटू टू सिमिलर मिरर हॉल्स। अब याद होगा मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया था, दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया था कि दोनों बच्चे एक जैसे लगते हैं या नहीं लगते, कुछ ऐसा एग्जाम्पल देके मैंने क्वेश्चन समझाया था। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो जितने भी डायग्राम है ये इक्वल है या इक्वल का सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो आंसर में क्या लिखोगे, यस लिखोगे ड्रॉ करने के बाद, अगर नहीं है तो आंसर में क्या लिखोगे, नो। मान लो ये वाला डायग्राम है, अगर आपको लगता है ये सिमिलर है तो यस लिख दोगे इसके नीचे, अगर आपको लगता है ये डायग्राम सिमिलर नहीं है तो क्या लिखोगे, नो लिख दोगे। और इसी तरह ये सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, स्केल यूज करना है, और सबका आंसर लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें इस टेस्ट में टाइम लगेगा मैं बता रहा हूं फिर, ठीक है, वीडियो 2-3 बार देख लो चाहे, ठीक है, लाइव वीडियो में काम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन गंदा काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आओ अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार, एक कार का पिक्चर ड्रॉ करना है, लेकिन कैसे ड्रॉ करना है उसके नीचे में कुछ लिखा है, मैंने देख यहां लिखा है मैंने टॉप व्यू, कार का टॉप व्यू बनाना है, ऊपर से कार कैसा दिखता है, और फिर साइड व्यू, साइड से कार कैसा दिखता है वो यहां बनाना है। तो बेटर ये है ऐसे क्वेश्चन लिखना है, यहां पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से स्केल की हेल्प से, ठीक है, इधर बना लेना टॉप व्यू और इधर बना लेना साइड व्यू। आई होप सबको क्लियर हो गया, इधर टॉप व्यू बनाना है कार का और इधर साइड व्यू बनाना है, तो ये काम भी अच्छे से करना, आज तो कलर पेंसिल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो काम को आराम से करना, वीडियो चाहे 2 बार देख लो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे की जगह 1 घंटे में काम कर लो, 2 घंटे में काम कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना एकदम, ठीक है, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो 1-2 वाले, अब आ गए हो 3rd में, तो काम अच्छा दिखना चाहिए मुझे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है सुनो पहले क्वेश्चन को, यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स
इंटू टू सिमिलर हॉल्स। अब आपको ये जो जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम दिख रहे हैं ना, ये बताना है कि भाई इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है मुझे नहीं पता, वो आप लोगों को ड्रॉ करनी है। इस तरह से ड्रॉ करना कि इन सारे डायग्राम को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है, उसको टू इक्वल पार्ट में बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा मत करना कि जबरदस्ती करने लग जाओ। किसी किसी में टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं भी होगा इक्वल, ठीक है, किसी किसी में। अब वो किसमें होगा मुझे तो पता ही नहीं भाई, ठीक है, हो सकता है इसमें, हो सकता है इसमें, किसी में भी हो सकता है। तो सिमिलर पार्ट किसी में ड्रॉ होंगे, किसी में नहीं होंगे। तो जिसमें नहीं हो रहे होंगे जबरदस्ती मत करना उसके साथ भाई, जिसमें होगा उसी में होगा, बाकी में नहीं होगा तो उसके आंसर में नो लिख दोगे, ठीक है। और जिसमें ड्रॉ कर सकते हैं उसमें करके दिखाना है, क्लियर। क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, और स्केल यूज करना है बिल्कुल शार्प करके पेंसिल को, ठीक है। जैसे देखो पेंसिल शार्प है ना एकदम, ऐसे आपकी पेंसिल भी शार्प होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आप उसे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर। इस पिक्चर में सेकेंड हाफ, यानी कि जैसे एक पिक्चर है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ठीक है, ये जितने भी पिक्चर है कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट करना है। और बीच में कुछ ड्रॉ होता है, पता नहीं उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन का नाम भी लिखना है आप लोगों को, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो उस लाइन का नाम भी बताना है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए आज, ठीक है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको ये सारे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ किस पे करोगे, इस तरह के ग्राफ पेपर पे। अगर जिसके पास ग्राफ पेपर नहीं है कोई बात नहीं, जिस पेपर पे काम कर रहे हो उस पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक, ठीक है, ठीक है बच्चे, ऐसे करना है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि भी ये सिमिलर डिवाइड हुए या नहीं हुए। अगर हो गए तो यस लिखोगे आंसर, अगर नहीं हो पाए तो आंसर क्या लिखोगे, नो लिखोगे। ध्यान से करना, बिल्कुल अच्छा काम करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कार ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, यहां लिखा हुआ है कैसे ड्रॉ करना है, पढ़ो इसे क्या लिखा है यहाँ पे, और इसे पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से कि भी ये सिमिलर बन जाए, ठीक है, टू सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो जाए। और कुछ कुछ ऐसे होंगे डिवाइड हो जाएंगे, और कुछ कुछ इसमें ऐसे हैं जो नहीं हो पाएंगे, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर रिविजन किया है अच्छे से, वीडियो को देख करके अच्छे से पढ़ाई किया तो कर लोगे, बहुत ईजी टेस्ट है आज का, तो सबसे ईजी टेस्ट लग रहा है मुझे तो भाई। और क्वेश्चन नंबर 5 में इसी पिक्चर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, तो ये सारा काम करना है। हाँ, और इसके बाद कल जो हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है, कल जो टेस्ट होगा बेटा, कल टेस्ट होगा ईवीएस का टेस्ट होगा। पहले आज का टेस्ट कंप्लीट करो, उसके बाद ये पूनम्स डे आउट ईवीएस का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसका रिवीजन करना है। और मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं, और बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है, तो उसे दोबारा से देखना है और अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है। जैसे अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो वैसे रिस्पॉन्स करना है, ध्यान रहे। और हाँ, कमेंट कैसे करना है इधर देख लो। आज जो कमेंट करोगे, पहले लिखोगे नेम, देन क्लास, देन रोल नंबर। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे बच्चे भी हैं हमारे इस वीडियो को देखने वाले जो हमारे स्कूल के नहीं है, दूसरे स्कूल से हैं, तो बेटा वो लोग भी बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत खुशी मिल रही है मुझे, फॉलो कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटा आप लोग जो दूसरे स्कूल के हो तो बेटा अपना स्कूल का नाम मेंशन कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए भाई आप लोग कौन से स्कूल से, ठीक है, तो अपने स्कूल का नाम भी यहां लिख सकते हो। जो मेरे स्कूल वाले हैं उनको तो मैं पहचान लेता हूं, जो दूसरे स्कूल वाले हैं तो मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो आंसर ऐसे लिखना। और हाँ, 2 घंटे के बाद, अभी नहीं, मैं ऐसे आंसर करूंगा, मेरा ये सिंबल बन के आया, सबसे ऊपर ऐसे लिखा होगा पिन बाय फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और ऐसे मैं आंसर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि आंसर करने जैसा है ही नहीं, आज तो ड्राइंग करने जैसा है, कोई बात नहीं, ड्राइंग कर लेना, ठीक है। और फिर उसमें ये लिख सकते हो कि आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 सर, ठीक है, क्या लिख दोगे, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जोन सा क्वेश्चन आपको लगता है नहीं कर पाए तो लिख दो सर, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 2, बट आई कैन नॉट एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 3। जोन सा भी आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको सर वो मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, लिख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड है, देखो मैंने चैनल का नाम भी रखा है फ्रेंड्स,
यानी कि सब बच्चे क्या है, मेरे फ्रेंड है। अब प्रिपरेशन क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन, लाइफ की प्रिपरेशन, एजुकेशन की प्रिपरेशन, तो हमारी ये, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है फ्रेंड सेट प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप लोग मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड बहुत सारे फ्रेंड हो गए, इसलिए मैं एस लगा देता हूँ, और को बड़ा एस लगाते हैं भाई, आप लोग बहुत सारे फ्रेंड हो गए ना मेरे, तो मैंने क्या नाम रख दिया इसका, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन रख दिया। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, इस पर कमेंट करना है, और हाँ जैसे आप लोग मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करता हूँ तो आप लोगों को खुशी मिलती है ना, तो जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज लाइक करना देखते हैं, और कमेंट करना जितने ज्यादा करोगे मुझे पता लगेगा भी हाँ अब मुझे खुशी मिलती है इससे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं फिर कल ई वेस्ट के टेस्ट में, इस वाले टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे इसका वीडियो भी आ रहा है, ये देखो इधर वीडियो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है ना, लिंक आ रहा है, तो इसको टच करके इस वीडियो को आप देख सकते हो, ईवीएस वाले को दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख गया ईवीएस वाला, इसको देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं, बाय बेटा।